नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सारी अपडेट्स जो है न्यूज की ले रहे होंगे। और अभी चल रहा है हमारा चुनाव, जिसके बीच में काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। उनमें से एक न्यूज अभी जो है सोमवार से लेके अभी तक छाई हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको लेके हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बहुत ही ऐसी न्यूज है जिसको कि हर एक महिला या जो भी व्यक्ति महिला सुरक्षा से जो है किसी भी प्रकार से कंसर्न रखता है, किसी भी प्रकार का जो है वो एक विचार करता है, केयर करता है, उसको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात ये नहीं कि पॉलिटिकल है या नहीं, पर ये महिला सुरक्षा से लेकर जुड़ी हुई बात है जिसको कि हर किसी को सुनना, समझना और बाद में पॉलिटिकली जो भी डिसीजन है वो ले लेना चाहिए। तो यहां पर बात हो रही है, आजकल एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि स्वाति मालीवाल कहां है। आप हर न्यूज में देखिएगा, हर टीवी चैनल पे, सब जगह पे एक ही न्यूज आ रही है कि वेयर इज स्वाति मालीवाल। अब स्वाति मालीवाल जो है वो मेन न्यूज का सेंटर है। वैसे तो देखिए उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती है, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी और यू नो पॉलिटिक्स, ये एक महिला सुरक्षा का प्रश्न है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल केवल एक पार्टी नहीं, बल्कि सबसे पहले वो एक महिला है और वो दिल्ली के अंदर जो है वो थ्रेटन हो गई, ये सबसे बड़ी जो है इशू है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल ऑफ आर नेशन, भारत का दिल यानी भारत की राजधानी, उसमें ऐसे कुछ हो जाना वो अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो स्वाति मालीवाल जो है अभी किसी को भी नहीं पता है कि कहां पर है। सोमवार से वो गायब है, सोमवार को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो स्वाति मालीवाल है कौन, एक तो ये क्लियर है कि ये आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। ये वहां आम आदमी पार्टी की जो है वो महिला सांसद है राज्यसभा की, जो कि दिल्ली से है। और इसके अलावा जो है इनका बेसिकली जो है ये है सोशल एक्टिविस्ट। इनका अगर एक सामान्य परिचय दिया जाए तो ये सोशल एक्टिविस्ट है जो बहुत एक्टिव रही हैं 2007 से, और ये मतलब नजरों में आई थी उसके बाद जो है जब आम आदमी पार्टी बनी, तो उसके बाद शी बिकेम द मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी। और उसके बाद जो है वो अलग अलग पोस्ट पे वहां पे रही, अलग अलग इनको मंत्रालय मिला। मोस्टली जो है वो ह्यूमन सेंटिमेंट से रिलेटेड जो है वो विभागों में ही ज्यादा देखने को मिली है। इसमें जो है सबसे पहले ये फॉर्मर हमारी जो DCW है, आपका दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, इनकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इसमें इनका नाम हुआ था, क्योंकि इन्होंने सच में इसमें नो डाउट इन्होंने काम किया था। बहुत ही एक्टिवली इन्होंने वुमेन ये जो हमारा कमीशन है दिल्ली का, इसको बहुत एक्टिव कर दिया था। नो डाउट ये बहुत हार्ड वर्किंग है और ये दिखता भी है। बाकी देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन जिसने जो काम किया है उसको प्रेज करना चाहिए। तो बड़ी ही डेडिकेटेडली ये काम करती नजर आई है और महिलाओं के मुद्दों पर ये बहुत ही प्रखर होके बोलती है, बहुत ही अच्छे से उसको एड्रेस करती है। पीछे जो है एक इशू और हुआ था जिसमें कि जब इन्होंने जिनको अपॉइंट किया था ये महिला आयोग में, उनको उनकी भर्तियां, खैर देखिए वो एक लीगल मैटर है, उसमें जो है वो खारिज हो गई थी उनकी भर्तियां, तो तब भी वो बड़ी मुखर होके इन्होंने अपनी सारी बात बोली थी। तो जो महिला इतना जो है एड्रेस करती हैं, बात को रखती हैं, वो अपने आप में सोचिए उनका जो करेज है, उनमें साहस कितना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता। अब यहां पर जो है ये यंगेस्ट जो है चेयरपर्सन बनी थी महिला आयोग की, तो यहां पर 2015 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और इसके बाद जब ये राज्यसभा की मेंबर बनी तो तब इनका जो है रिजाइन ले लिया गया। रिजाइन करना होता है भाई आपको, एक ही पोस्ट पे आप प्रॉफिट की एक ही पोस्ट पे रह सकते हैं, तो वहां पर इनको इनका रिजाइन हुआ और फिर ये राज्यसभा की मेंबर बन गई। और ये ऑब्वियसली दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये उन्हीं के थ्रू ये बनी है।
इसके बाद जो है जो शॉकिंग थी वो हुई इस बार इस हफ्ते में सोमवार को, मंडे को 13 मई को सुबह सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो टीवी पे आने लग गई, हर जगह मीडिया में आई, और वो थी कि ये जाती हैं सुबह, इनका अपॉइंटमेंट जो है जो भी इनकी मीटिंग थी ये सीएम हाउस में जाती है, एक इंसिडेंस होता है जिसमें कि इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। पर्सनल असिस्टेंट हैं केजरीवाल जी के, जो सीएम ऑफ दिल्ली हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट है बीनव इनका नाम, तो इनके ऊपर एलिगेशन लगाती हैं ये कि इन्होंने जो है वो मारपिटाई करी है, असॉल्ट किया है, और उसकी जो है ये कंप्लेन कर रही हैं, कॉल कर रही थी। एक्चुअली ऑफिशियल कंप्लेन कुछ भी नहीं हुई है, ये बात है सुबह 9:30 की, 9:30 पे जो है एक पीसीआर को कॉल जाता है और उसमें जो कॉलर है वो ये बोलता है कि भाई फीमेल है, वो ये बोलती है कि मेरे साथ जो है वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी के कहने पे जो है ये बिनव कुमार जो है मेरे साथ मारपिटाई कर रहे हैं। तो ऐसे दो बार कॉल जाते हैं जो कि स्टार्टिंग रिपोर्ट्स में आई थी, और इसके ऊपर जो है फिर रिएक्शन आने शुरू होते हैं, क्योंकि कॉलर को ये बोला जाता है कि पुलिस की तरफ से जो आया था पूरा कि आप जो है आइए पुलिस थाने में और जो है वो रजिस्टर करवाइए कंप्लेन। तो वहां पर एक्चुअली जब कॉल आई तो वहां पर पीसीआर जाती है एट द रेजिडेंस ऑफ सीएम ऑफ दिल्ली, तो वहां पर जब जाते हैं तो वहां पे स्वाति मालीवाल मिलती नहीं है। अब मिलती नहीं है तो उसके बाद उनको पता लगता है कि जो ये स्वाति मालीवाल है ये सिविल लाइन पुलिस थाने में आ गई है, वहां पर जो है ये कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करती है और कुछ देर वहां रुकती है और चली जाती है। तो देखिए दोनों तरफ ही, ना तो कोई ऑफिशियल कंप्लेंट हुई है ना एफआईआर हुई है, कुछ भी नहीं हुई है, पर ये जो एक होता है ना कि लिंक की कॉल गई है उसके ऊपर पुलिस ऑब्वियसली एक्शन लेगी, क्योंकि पुलिस के पास एक कॉल चली जाती है तो पुलिस अपने वर्क को करना शुरू कर देती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, उनको डील करना होता है। तो वो बाद में भी वो गए, इवन स्वाति मालीवाल के घर पर भी गए, लेकिन एज सच कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं करी गई। अब इसमें जो है, अब इसमें जो लोग जो सामने आ रहे हैं जिन जिनका नाम है, एक तो पहला तो भिनव कुमार जो है, भिनव कुमार का नाम आया जो पर्सनल असिस्टेंट है। दूसरा, और ये पहले भी इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो एलजी ने पहले एक बार हटा दिया था इनको, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट सही नहीं थी, लेकिन ये पर्सनल असिस्टेंट हैं केजरीवाल जी के, जो आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, जब उतरे तो अभी भी वो उनके साथ ही जा रहे हैं। अब ये जो फोटो आया सुबह कि लखनऊ में एयरपोर्ट पे केजरीवाल और संजय सिंह जी के साथ में जो है वो ये पर्सन दिख रहे हैं, ये भी अब बड़ा कंट्रोवर्सी वाला हो गया, क्योंकि ये तो भाई इनके ऊपर एलिगेशन लगा, फिर ये कैसे ये साथ में घूम रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख को जब ये हुआ तो पूरा दिन सब पूछते रहे कि क्या हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी कटघरे में आ गई। तो तब जो है संजय सिंह जी ने जो है एक वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेक्स्ट डे, और उसमें कहा कि हाँ ये अभी भिनव कुमार ने मारा है, उसने जो है वो मिसबिहेव किया है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो जब संजय सिंह खुद जो कह चुके हैं कि हाँ ऐसा करेंगे वो, तो फिर उनका आज जो है वो लखनऊ में एयरपोर्ट पे भिनव कुमार का साथ में होना अपने आप में बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि भाई जिसको आप पनिशमेंट देना चाहते हो वो आपके साथ ऐसे कैसे साथ में मेन क्रू में चल रहा है जहां पे केजरीवाल जी भी हैं। तो केजरीवाल जी के साथ में मतलब होना, मतलब अभी भी वो अपनी पोस्ट पे हैं एंड ही एज बीन लाइक, उनको कोई पनिशमेंट वगैरह अभी कुछ मिली नहीं है। तो ये जो चीज हुई यहाँ पे, जो ये दो कॉल्स गए और उसके बाद पुलिस ने जो है वो संज्ञान लिया इसका, लेकिन कोई भी ऑफिशियल कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई। इसके बाद जो है ये 13th को ये हुआ मंडे को, फिर ट्यूसडे को जो है 14th को बीजेपी की जो है विंग का, बीजेपी के जो भी उनके इलेक्टेड मेंबर है या उनके जो भी पूरा पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ सीएम केजरीवाल के घर के सामने, और एनसीडी के जो उनके पूरे इलेक्टेड मेंबर्स थे और जो उनके पार्टी मेंबर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि क्योंकि वो मेन अपोजिशन में मान के चलिए, तो वहां पर जो है बीजेपी ने इसको जो है वो मुद्दा बनाया और उसको पूरी तरह से हाईलाइट करने की कोशिश करी, और ये एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि अगर सीएम के घर पर महिला और वो भी सांसद अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है।
क्योंकि आप किसी को देखिए बात करना अलग चीज है, हाथापाई कर देना इट्स लाइक कि आपके अंदर डर ही नहीं है, आपको ये भरोसा है कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मतलब मेरा कुछ कुछ कोई नहीं कर सकता, तभी आप ऐसी हरकत कर सकते हैं। ये चीज बहुत ही टेरेबल है, ये चीज बहुत ही ज्यादा जो है वो सोचने पर हमें मजबूर करती है कि अगर सीएम हाउस में ये हो सकता है तो क्या पूरी दिल्ली सेफ है। क्योंकि हम देखें तो आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन का कैंपेन जब चला था तो वो सीसीटीवी कैमरा लगाने और इनके ऊपर बहुत चला था कि हम कोने कोने में लगा देंगे। और सबसे अजीब बात ये है कि जहां पर संजय सिंह जी कहते हैं कि हाँ ये हुआ और हम पनिश करेंगे, लेकिन वो फुटेज जो मिसबिहेवियर की है वो अपने खुद के संज्ञान में लेते हुए खुद से जो है कंप्लेन करते हुए वो क्यों नहीं दे देते पुलिस को, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि लोग पूछेंगे, अब आपके अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी भी पूछेगी कि अगर आपके हाउस में इतने कैमरे हैं, जो पीछे शीश महल वाला काफी ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा रहा था, तो उसमें इतने कैमरे हैं और सब कुछ हाईटेक है, तो आपने फुटेज अभी तक क्यों नहीं पुलिस को दी है और पुलिस के पास क्यों नहीं कंप्लेन करवाई है विनय कुमार के खिलाफ। तो ये एक प्रश्न जो पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो है बाद में करेक्शन भी हुआ था पीसीआर कॉल्स का, तो उसके ऊपर पहले तो दो दिन यही चलता रहा कि भाई क्या स्वाति मालीवाल ने किया या नहीं किया, लेकिन संजय सिंह जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने के बाद ये क्लियर हो गया कि हाँ ये जो है वो स्वाति मालीवाल ने ही जो है कॉल वगैरह किया था। इसके बाद जो है अब यहां पर संजय सिंह जो है वो महिला आयोग की मेंबर और संजय सिंह जो है वो फिर स्वाति मालीवाल से कल मिलने भी गए, लेकिन वहां पर उन्होंने को मीटिंग में क्या हुआ, मिले नहीं मिले, उसके बारे में कुछ भी कहे बिना अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए थे। तो मीडिया ने काफी पूछने की कोशिश करी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि बाद में जो है सोर्सेज ये कहते रहे कि जो स्वाति मालीवाल है वो तो घर में है ही नहीं। तो ये भी आपस में एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं जो ऐसे सामने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहे हैं, जिससे ये पता नहीं लग पा रहा है कि स्वाति मालीवाल जो है वो कहां पर है। अब एलिगेशंस तो चलते रहेंगे इसमें, यहां पर आम आदमी पार्टी कहती कि भी सेंटर अपने आप कर ले, अब सेंटर गया तब ये तो पार्टी का मैटर है, पहले आप क्लियर करिए। स्वाति मालीवाल जो है उनकी सेफ्टी के ऊपर जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उनके एक्स हस्बैंड भी जो है वो आ गए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बड़ी करेजियस लेडी हैं और इनकी सुरक्षा पे जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कहीं इनकी जान खतरे में तो नहीं है, ये चीज चलती रही। अब इसके बाद बात यह है कि ये सारा झगड़ा आखिर हुआ क्यों, किस बात पे हुआ। तो इसके अंदर जो है वो मनु सिंघवी, आपको याद होगा जो केजरीवाल जी को 20 दिन का 21 दिन का जो ये इंटरिम बेल मिली हुई है, इनके वकील है मिस्टर मनु सिंघवी, उनको जो है ये कहा जा रहा है, ये सोर्सेज बता रहे हैं, अभी तक तो किसी ने कुछ लीगली तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये न्यूज में और सोर्सेज में आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी से जो है ये कहा गया कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए राज्यसभा मेंबरशिप, क्योंकि केजरीवाल जी जो हैं वो उनको राज्यसभा मेंबरशिप जो है वो मनु सिंघवी जी को गिफ्ट करना चाहते हैं। अब ये पे बैक है क्या है ये तो वो ही जाने, लेकिन ये काफी ज्यादा आया कि उनको वो सीट देना चाहते हैं और इनको जो है बोला कि आपको हरभजन सिंह जो है पंजाब में कि उनकी पोस्ट की जगह पंजाब से हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। अब सोचिए स्वाति मालीवाल जी हैं, उनके पास अब वो महिला आयोग की चेयरपर्सन नहीं है, अब राज्यसभा की भी वो मेंबरशिप ले लेंगे बिना उनको अगली मेंबरशिप की गारंटी दिए हुए, जबकि अभी हरभजन सिंह बने ही हुए हैं अपनी सीट के ऊपर। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल जी जो हैं उन्होंने मना कर दिया है कि मैं नहीं करूंगी या मुझे डिस्कशन करना है जो भी है। तो उस चीज से कि भाई ऑर्डर मिला है पूरा क्यों नहीं किया, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है फ्रॉम द अपोजिशन की क्योंकि माना नहीं तो उनसे जो है वो फिजिकल हैंडलिंग कर दी गई है, असोल्ट कर दिया गया है, उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं इन आपस में जोड़ के देखी जा रही हैं कि ये एक पे बैक टाइम है और मनु सिंघवी जो है वो राज्यसभा से मतलब वो सांसद बनाने के लिए ही ये सब चक्कर चल रहा है और ये दिल्ली से बनाना चाहते हैं इनको। अब बाकी जो चीजें धीरे धीरे के क्लियर होंगी, सबसे ज्यादा ये जरूरी है
कि स्वाति मालीवाल जो हैं वो प्रेजेंट हो, वो अपनी कोई कॉन्फ्रेंस करें, अपनी अपना पक्ष जो है वो रखें, तभी चीजें जो हैं वो साफ हो पाएंगी, अदरवाइज ये इसी तरह से चलता रहेगा, कंफ्यूजन होती रहेगी। इसके अलावा जो है आगे और कोई प्रोग्रेस इसमें जो है होती है तो डेफिनेटली अपडेट हमें न्यूज के थ्रू मिल जाएगी। तो ये एक ऐसा मुद्दा जो था वो आया था सामने कि इस इलेक्शन में, इस फेज में जो हमारा आगे फिफ्थ फेज की वोटिंग और फोर्थ फेज की वोटिंग के बीच में जो ये टाइम है, इस टाइम पे सडनली ये जो है मुद्दा आया है जो कि इफेक्ट कर सकता है नेम फेम को किसी भी पार्टी को, स्पेशली इसमें आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन जो है शामिल है, तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन को ये डेंट कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी या विपक्ष जो है ऐसे मुद्दे पे बहुत ही क्लैरिटी रखे, और स्पेशली विमेन सेफ्टी को लेके जो डाउट सबके मन में आ रहा है उसको क्लियर करे, और जो भी पिक्चर है और जो दोषी है, जिसके लिए क्लियर बोला है कि ये दोषी है, उसके खिलाफ एक्शन ले। क्योंकि आज लखनऊ में जो है जो पिक्चर आई उससे सच में मन में ऐसा हो गया है कि ये तो प्रिविलेज्ड है, तो इसको साथ लेके क्यों घूम रहे हैं। ये एक गलत मैसेज जा रहा है विपक्ष के लिए, लोगों के अंदर, जो सही नहीं है, जिसको कि आम आदमी पार्टी को खुद ही सोचना चाहिए कि उनकी इमेज में इससे डेंट पड़ जाएगा। क्योंकि जब इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी इंडी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि केजरीवाल जी, संजय सिंह, ये सब जो हैं एक साथ हैं वहां, जी ने बोला तो उन्होंने भी कहा कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैटर्स हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो एक तरह से ही ये सिचुएशन ऐसी हो गई जहां पर कि एड्रेस नहीं कर रहे और मीडिया सवाल पूछेगा, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर ये अभी इतना छाया हुआ है, अगर इससे छुटकारा इनको चाहिए तो इनको अपनी पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर जाए, स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए जितने बातें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है सबको ये क्लियर इमेज करनी पड़ेगी कि वो सच में इसके ऊपर सीरियस हैं या फिर नहीं है। तो ये इसके बिना जो है, नहीं तो देखिए वीक पॉइंट है, इससे डेंट पड़ेगा तो भाई वोटिंग पे भी असर होगा, फिर तो रिजल्ट ही बताएंगे कि कितना खैर असर हुआ है। इसके अलावा एक और चीज थी जो बड़ी अनयूजुअल हुई, वो ये थी कि 40 जो स्टार यू नो कैंपेन ये कैंपेनर्स थे, 40 जो मुख्य प्रचारक थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से स्वाति मालीवाल जी का नाम गायब हो गया। तो ये भी क्वेश्चन मार्क उठ गया कि क्या इनको रस्ते से ही हटा दिया गया है, क्योंकि अब क्यों ऐसा कहा कि इनको रस्ते से हटा दिया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि जब केजरीवाल जी को ये शराब कांड में, शराब घोटाले के केस में, जब इनको ये ईडी जो है ले गई और कोर्ट ने इनकी बेल नहीं दी और ये जेल में थे, तो तब जो है स्वाति मालीवाल जो है वो यूएस के अंदर चली गई थी, और वहां पर जो है ये वहीं थी, अभी आई है वापस कुछ टाइम पहले ही। तो ये जो और एक और मेंबर हैं राघव चड्डा जी, वो भी बाहर हैं। अब देखिए उनके अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं, तो वो जो बिहेवियर था कि तुम यहां क्यों नहीं रहे, ये भी ग्रजेस हो सकती हैं कि तुमने भाई लॉयल्टी नहीं दिखाई पार्टी के लिए या केजरीवाल जी के लिए। तो ये भी एक पॉइंट जो है वो आ रहा है, जिसके ऊपर लोग जो है डाउट कर रहे हैं कि क्या ये उसका जो रिजल्ट है कि आपने क्योंकि साथ नहीं दिया तो आपकी लॉयल्टी, आपकी जो मतलब आपके ऊपर भरोसा जो है वो पार्टी का कम हो गया है, और इसीलिए जो है स्टार कैंपेनर्स में से या बड़ी बड़ी सीट से उनको जो है गायब किया गया है। बाकी ऑल इन ऑल ये कहा जाएगा कि आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी हो सके इस चीज को क्लियर करेगी उतना ही अच्छा है, नहीं तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े नुकसान कर जाती हैं आपके पॉलिटिकल करियर में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपका ये आपको ये आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ये एक ऐसी अपडेट थी जिसको मिस आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी चुनाव में इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। सोचिए ये वोटिंग से पहले जो एक हफ्ता रहता है उसमें अगर ये एक अकेला मुद्दा अगर एक हफ्ते में से 3 या 4 दिन भी बना रहे तो कितना ज्यादा जो है वो प्रचार को डिस्टर्ब कर सकता है।
इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी था। आई होप आपको ये आज का जो पॉलिटिकल एनालिसिस ऑन द करंट न्यूज विच इज राइट नाउ ट्रेंडिंग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सपोर्ट से जो है और अच्छे वीडियोज बनेंगे, और इसी तरह से हम जो है एक अवेयरनेस और पॉलिटिकल एनालिसिस और हमारी जो अप टू डेट नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़िया हम बना पाएंगे। धन्यवाद आप सबका अभी तक देखने के लिए, बने रहने के लिए, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वोटिंग अगर आप इलिजिबल हैं वोट डालने के तो वोट जरूर डालिएगा, आपकी पार्टी आपकी पसंद की, लेकिन वोट हमारी ड्यूटी है जिसको हमें सबसे ऊपर जो है रख के करना है, तो वोट जरूर डालिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे, धन्यवाद।